हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको आर्मी प्रैक्टिस सेट नंबर 30 करवाएंगे। देखिए, जो हमारी आर्मी प्रश्न पत्रों की सीरीज चल रही है, इसमें टोटल मिला के 50 प्रश्न पत्र हैं और उनमें से अब प्रश्न रिपीट होने लगे हैं। तो जो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं उनको आप बार बार रिवाइज कीजिए। वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जाते हैं, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिए भाई। तो देखिए, करते हैं आज अभ्यास प्रश्न पत्र 30। इसमें और प्रश्न पत्रों की तरह से ही कुल 30 प्रश्न पत्र रहेंगे। 30 प्रश्न रहेंगे जिसमें 5 प्रश्न सामान्य ज्ञान के और 5 प्रश्न सामान्य विज्ञान के होंगे। तो पहला क्वेश्चन देखिए, करते हैं भाई। वर्ष 1965 की लड़ाई में, पहला क्वेश्चन है, वर्ष 1965 की भारत पाक की लड़ाई में, लड़ाई के समय भारत का प्रधानमंत्री कौन था? भारत का प्रधानमंत्री कौन था? तो स्टूडेंट्स, 1965 की लड़ाई में भारत के प्रधानमंत्री जो थे वो थे भाई लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री, श्री लाल बहादुर शास्त्री जो हो भारत के प्रधानमंत्री थे। इनके जो लाल बहादुर शास्त्री जी थे, इनके इनसे संबंधित मेन क्वेश्चन 3-4 पूछे जाते हैं। एक तो पूछा जाता है इनका जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म भी स्टूडेंट्स गांधी जिस दिन जन्मे थे उसी दिन जन्मे थे ये भी, 2 अक्टूबर को 1904 में जन्मे थे भैया। कहाँ जन्मे थे? मुगल सराय, मुगल सराय यूपी, यूपी में इनका जन्म होता है मुगल सराय में लाल बहादुर शास्त्री का, 2 अक्टूबर 1904 को। एक इनसे संबंधित पूछा जाता है कि इनका नारा क्या था। इन्होंने एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। दूसरा, इनके समाधि स्थल के बारे में पूछा जाता है, तो इनका समाधि स्थल जो है स्टूडेंट्स विजय घाट, विजय घाट इनका क्या है? समाधि सथल है। तो ये इस तरह से 4-5 क्वेश्चन शास्त्री जी से संबंधित पूछे जाते हैं, तो ये इम्पोर्टेंट है भाई। 1965 में भारत की जीत हुई थी, पाकिस्तान की हार हुई थी। तो देखें क्या कहता है, डूरंड कप किससे संबंधित है? डूरंड कप, डूरंड कप किससे संबंधित है? तो स्टूडेंट्स, डूरंड कप जो है वो फुटबॉल से संबंधित है, फुटबॉल से। और ये किसके संरक्षण में है? वर्ष 1950 से भारत के राष्ट्रपति के संरक्षण में है, भारत के राष्ट्रपति के संरक्षण में है, के संरक्षण में है। 1950 से भारत के राष्ट्रपति के संरक्षण में है। डूरंड कप फुटबॉल से संबंधित है। कई बार फुटबॉल की टीम में खिलाड़ियों की संख्या पूछ लेता है कि खिलाड़ी कितने होते हैं, तो स्टूडेंट्स फुटबॉल, हॉकी और क्रिकेट इनमें कितने खिलाड़ी होते हैं? 11 होते हैं। दूसरी चीज़ देखें, प्रश्न पूछता है कि पहला विश्व फुटबॉल विश्व कप कब हुआ? पहला फुटबॉल विश्व कप, तो पहला फुटबॉल विश्व कप कब हुआ ये पूछा जाता है कई बार। तो स्टूडेंट्स, वर्ष 1923 उरुग्वे, उरुग्वे में पहला फुटबॉल विश्व कप हुआ। दक्षिणी फिर इसका, ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का देश है उरुग्वे, वहाँ पर पहला विश्व कप हुआ फुटबॉल का। फुटबॉल की टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं, और डूरंड कप जो है वो फुटबॉल से संबंधित है। तो कई बार जिस तरह से संतोष ट्रॉफी के बारे में पूछता है, तो वो भी किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। नेक्स्ट देखें, पुलित्जर पुरस्कार किससे संबंधित है? तो पुलित्जर कई बार आ चुका है क्वेश्चन, पुलित्जर पुरस्कार, पुलित्जर पुरस्कार, ये स्टूडेंट्स पुलित्जर पुरस्कार जो है पत्रकारिता से संबंधित है, पत्रकारिता, यह है पत्रकारिता से संबंधित है। दूसरा देखें क्या कहता है, दूसरा क्वेश्चन है, 2022 का शीत ओलंपिक कहाँ होगा? 2022 का शीत ओलंपिक, शीत ओलंपिक, तो 2022 का शीत ओलंपिक होगा भाई बीजिंग में। और बीजिंग किसकी राजधानी है? बीजिंग किस देश की राजधानी है? तो स्टूडेंट्स, ये चीन देश की राजधानी है,
चीन। और चीन किस महाद्वीप का देश है? एशिया महाद्वीप का देश है। सबसे ज्यादा जनसंख्या इसी महाद्वीप में है, इसको एशिया का अजगर भी कहते हैं। एशिया का अजगर किस देश को कहा जाता है? चीन देश को कहा जाता है एशिया का अजगर। बीजिंग इसकी राजधानी है और यहीं पर 2022 का शीत ओलंपिक होगा। वर्तमान में चर्चा में है चीन किसके कारण से है? कोरोना, कोरोना वायरस के कारण से वर्तमान में यह है चर्चा में है। तो देखें भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार विदेश नीति का वर्णन किस में है? भारतीय संविधान के अनुसार, संविधान के अनुसार विदेश नीति का वर्णन किस अनुच्छेद में है? किस अनुच्छेद में है? तो ये क्वेश्चन है। अनुच्छेद आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स, इसका आंसर आ जाएगा अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51 में भारतीय संविधान के अनुसार जो है विदेश नीति का वर्णन है। कुल अनुच्छेद कितने हैं इनके बारे में भी आ जाता है। भारतीय संविधान में कुल अनुच्छेद कितने हैं? तो 365 हैं कुल अनुच्छेद। कुल भाग भारतीय संविधान के कितने हैं ये भी पूछ लेता है भाई, कुल भाग कितने हैं? तो कुल भाग जो है वो 22 है। कुल भाग 22 हैं, अनुच्छेद 365 हैं, और ये 395 है, सॉरी अनुच्छेद 395 है और कुल भाग 22 है। कुल अनुसूची पूछ ले, कुल अनुसूची, तो कुल अनुसूची जो है वो 12 है। मूल संविधान में ये 8 थी। तो इस तरह से ये हल्के फुल्के प्रश्न पूछ लेता है आपकी परीक्षाओं में, बिल्कुल जो है टेस्ट इजी रहेगा। देखें भी क्या कहता है, पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा, क्वेश्चन है पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा भारत आए तब भारत में गद्दी पर कौन बैठा था? दिल्ली की गद्दी पर कौन था भाई? तो स्टूडेंट्स ये थे सिकंदर लोदी। इनके बारे में आता है स्टूडेंट्स, आगरा किसने बसाया था? तो सिकंदर ने बसाया था। लोदी वंश के सिकंदर लोदी वास्को डी गामा जब भारत आए उस समय गद्दी पर थे। तो ये पता है आपको, 1498 में आए थे, इन्होंने भारत की खोज की थी, पुर्तगाल के थे। और स्टूडेंट्स ये जलीय रास्ते से भारत में आए थे, कालीकट बंदरगाह पर ये पहुंचे थे। प्रश्न आता है कालीकट बंदरगाह किस राज्य में है? तो कालीकट बंदरगाह कहाँ पे है? केरल में है, आपको ध्यान में रखना है। तो देखें भी क्या कहता है नेक्स्ट, ब्रिक्स में एस ट्रम्स का अर्थ क्या है? क्वेश्चन है ब्रिक्स, तो इसके बारे में देखें, इसको एक बार साफ कर लेते हैं। देखें भाई चैनल को स्टूडेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हर एक विद्यार्थी ये ज़रूर करे कि एक बच्चा और जोड़े, हर एक जो विद्यार्थी है वो ज़्यादा नहीं तो कम से कम एक बच्चे को और जोड़े, और इस तरह से धीरे धीरे हम अपने टारगेट को पूरा कर लेंगे। तो देखें भाई क्वेश्चन है, ब्रिक्स में एस टर्म्स का अर्थ क्या है? BRICS ब्रिक्स में एस का अर्थ क्या है? अर्थ क्या है? तो एस का जो अर्थ है स्टूडेंट्स, एस का अर्थ है साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका। ये उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के देशों का एक समूह है, और इसकी स्थापना की यदि मैं चर्चा करूं तो स्टूडेंट्स इसकी स्थापना 2001 में हुई थी, और 2010 में इसमें जो है साउथ अफ्रीका को जोड़ा गया था, साउथ अफ्रीका। और ये भी पूछ लेता है कि भाई इसमें कुल देश कितने हैं? तो कुल देश, हर एक देश के नाम का पहला अक्षर लिया गया है इसमें, कुल देश स्टूडेंट्स वर्तमान में इसमें 5 हैं, BRICS। यहाँ 20 का मतलब ब्राज़ील है,
जो कि दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का देश है, ब्राजील इसकी राजधानी है, और आर का मतलब है रूस, एशिया महाद्वीप का देश है, आई का मतलब है इंडिया, एशिया महाद्वीप का देश है, और सी का मतलब है स्टूडेंट्स आपका चीन, जो कि एशिया महाद्वीप का देश है, और ये साउथ अफ्रीका, अफ्रीका महाद्वीप का देश है, साउथ अफ्रीका। तो इस तरह से ये इन देशों का एक समूह है स्टूडेंट्स, इसमें जो है स्थापना 2001 में हुई थी। इसमें यहाँ से प्रश्न इस तरह से बनता है कई बार कि निम्न में से कौन सा एक देश ब्रिक्स का सदस्य नहीं है, तो ये पांच देश सदस्य हैं, इनका आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, महात्मा गांधी का जन्म कहाँ होता है, तो स्थान पूछ रखा है महात्मा गांधी का। परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेट है स्टूडेंट्स, मोस्ट इम्पोर्टेंट व्यक्ति हैं महात्मा गांधी, महात्मा गांधी का जन्म कई बार प्रश्न पूछ रखा है। इसके ऊपर हमने एक वीडियो स्पेशल डाली है महात्मा गांधी के ऊपर, आप सागर क्लासेज आरटी के लिख करके महात्मा गांधी लिखोगे तो कंप्लीट वीडियो आ जाएगी, उसको देखना, महात्मा गांधी के बारे में टोटल आपको जानकारी मिलेगी डीपली। तो महात्मा गांधी का जन्म स्टूडेंट्स, इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर गुजरात में होता है, पोरबंदर गुजरात। में होता है इनका जन्म कब होता है, पोरबंदर गुजरात में होता है। तो देखिए भी महात्मा गांधी का जन्म, 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में होता है, और इससे रिलेटेड एक वीडियो हमने अलग से डाल रखी है, तो आप जाकर के उसके ऊपर सागर क्लासेज आरटी के डालोगे तो सागर क्लासेज आरटी के महात्मा गांधी के बारे में कंप्लीट डिटेल आ जाएगी, इनका जन्म, इनके आंदोलन, इनके पत्थर, सारी की सारी चीज़ें जो है, इनके नारे, इनके भजन, इनके जो है जीवन परिचय, पारिवारिक परिचय, सारा का सारा डिटेल उसमें दे रखा है। तो देखें भी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, बस्तर किस राज्य में स्थित है, बस्तर, बस्तर किस राज्य में स्थित है, बस्तर किस राज्य में स्थित है, तो स्टूडेंट्स ये छत्तीसगढ़ में है, छत्तीसगढ़ में है बस्तर। और नेक्स्ट देखें, प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी पेले का संबंध किस प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी, प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी पेले का संबंध का संबंध प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी पेले का संबंध किस देश से है, किस देश से है, तो स्टूडेंट्स प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी कहाँ से हैं, ब्राज़ील, ब्राज़ील से संबंधित है, संबंधित है। ब्राज़ील की राजधानी क्या है, ब्राज़ीलिया, ब्राज़ील की कई बार पेपर में राजधानी आ जाती है, किसकी राजधानी क्या है, ब्राज़ील की राजधानी, तो स्टूडेंट्स क्या है, ब्राज़ीलिया, ब्राज़ीलिया जो है वो ब्राज़ील की राजधानी है। नेक्स्ट देखें भी क्या कहता है, अंग्रेजों ने सर्वप्रथम पहली फैक्ट्री कहाँ लगाई, अंग्रेजों ने सर्वप्रथम पहली फैक्ट्री कहाँ लगाई, फैक्ट्री कहाँ लगाई, तो अंग्रेज़ों ने सर्वप्रथम पहली फैक्ट्री कहाँ लगाई स्टूडेंट्स, ये लगाई सूरत, अंग्रेज़ों ने पहली फैक्ट्री लगाई थी कहाँ पे, सूरत में लगाई थी। दूसरा क्वेश्चन देखें भी क्या कहता है, इसमें क्वेश्चन है, भारत में पहली विद्युत ट्रेन कब चली, भारत में पहली विद्युत ट्रेन, भारत में पहली विद्युत ट्रेन कब चली, तो भारत में पहली विद्युत ट्रेन चली थी स्टूडेंट्स 1925 में। और वैसे भारत में पहली ट्रेन कब चली थी, कई बार ये पूछ लेता है कि भारत में पहली ट्रेन कब चली थी, तो भारत की पहली ट्रेन कब चली,
तो ये चली थी स्टूडेंट्स 1853 में। किसके समय में चली थी? लॉर्ड डलहौजी के समय में। भारत की पहली ट्रेन कब चली? 1853 में चली, लॉर्ड डलहौजी के समय में चली थी। और ये स्टूडेंट्स 16 अप्रैल को चली थी। तो 16 अप्रैल को रेल दिवस मनाया जाता है। 16 अप्रैल रेल दिवस मनाया जाता है, 16 अप्रैल को रेल दिवस से मनाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन देखें, यहाँ पर कई बार ये पूछ लेता है कि भी भारत में ट्रेन रेल के जोन कितने हैं। जोन पूछ लेता है तो भारत में कितने हैं? 17 जोन हैं। और विश्व की पहली रेल कब चली थी? विश्व की पूछ ले कि विश्व की पहली रेल चली, विश्व में पहली रेल कब चली? तो विश्व में पहली रेल चली भाई आपका 1825 में विश्व में पहली रेल चली थी। तो ये था स्टूडेंट्स इसके बारे में। नेक्स्ट देखें क्या कहता है। सर्जिकल स्ट्राइक के समय, इसको एक बार साफ कर लेते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। एक स्टूडेंट्स जो है कम से कम एक बच्चे को जोड़िए भाई, एक वीडियो को पूरा देखा करो। वीडियो जो है कम आपका, ज़्यादा लंबा वीडियो रहता नहीं है ये, 20 से 25 मिनट का 30 मिनट का वीडियो रहता है, तो उसको कंप्लीट देखो, अच्छे से नोट्स निकालो उसमें से। देखिए भी क्या कहता है, सर्जिकल स्ट्राइक सितंबर 2016 में रक्षा मंत्री कौन थे? भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक की थी, सर्जिकल स्ट्राइक सितंबर 2016 में, सर्जिकल स्ट्राइक सितंबर 2016 में भारत के रक्षा मंत्री। तो उस समय का ये करंट का क्वेश्चन उस समय बनता था, आगे इसके चांस कम है इस तरह के क्वेश्चन के। तो स्टूडेंट्स ये आंसर आ जाएगा आपका मनोहर पारिकर उस समय रक्षा मंत्री थे सितंबर 2016 में। पता है आपको भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक की थी। तो देखें प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ, आसान क्वेश्चन है, कई बार पहले भी आ चुका है। प्रथम विश्व युद्ध हुआ भी 1914 ईस्वी में। प्रथम विश्व युद्ध जो है 1914 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन देखें भाई, सामान्य विज्ञान के हार्मोन्स का उपयोग किया जाता है, किसमें किया जाता है? तो मेटाबॉलिज्म प्रोसेस में किया जाता है। उपापचय में, इसकी जगह आपको उपापचय भी मिल सकता है, उपापचय की क्रिया में हार्मोन्स का प्रयोग किया जाता है। उपापचय की जो क्रिया है उसमें हार्मोन्स का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है परमाणु का रासायनिक गुण किस पर निर्भर करता है? परमाणु का रासायनिक गुण किस पर निर्भर करता है। तो परमाणु का रासायनिक गुण किस पर निर्भर करता है स्टूडेंट्स? परमाणु क्रमांक के ऊपर। किस पर करता है? परमाणु क्रमांक के ऊपर परमाणु का रासायनिक गुण जो है वो निर्भर करता है। नेक्स्ट है हरगोविंद खुराना को किस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला? तो स्टूडेंट्स हरगोविंद खुराना, आनुवंशिकी का जनक बोलते हैं हरगोविंद खुराना को नोबेल मिला, किसके लिए मिला था? आनुवांशिक कुट के लिए हरगोविंद खुराना को जो है वो नोबेल मिला था साइंस के सेक्टर में, चिकित्सा इसमें, बायो में, जीव विज्ञान में। नेक्स्ट है अभी कौन सा कीट उत्पाद नहीं है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग है पर्सन, कौन सा
कौन सा कीट उत्पाद नहीं है, कीट उत्पाद नहीं है, कौन सा कीट उत्पाद नहीं है। तो इसमें कीट उत्पाद नहीं है की बात करें तो स्टूडेंट्स इसमें आ जाएगा आपका केसर। ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है केसर आंसर, उसमें रेशम मोम इस तरह से जो कीटों से प्राप्त उत्पाद थे वो थे, रेशम था मोम था, लेकिन केसर जो है स्टूडेंट्स ये कीटों से संबंधित नहीं है, ये एक वनस्पति है। नेक्स्ट है समुद्र के पानी की अक्षारियता की मात्रा होती है, तो स्टूडेंट समुद्र के पानी में अक्षारियता की मात्रा अधिक होती है, कैसा होता है, लवणीय होता है, समुद्र का पानी होता है तो कैसा होता है, लवणीय होता है भाई, लवण होते हैं उसमें, लवण की मात्रा होती है, नदियां अपने साथ लवण लेकर के आती हैं तो समुद्र के पानी में घुल जाता है। नेक्स्ट भारी जल का सूत्र क्या है, भारी जल का सूत्र तो देखें D2O, भारी जल का सूत्र, भारी जल का सूत्र क्या है D2O, भारी जल का, और वैसे जल का आ जाए तो जल का सूत्र क्या है H2O, जल का सूत्र H2O है, भारी जल का D2O है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है बॉक्साइड किसका अयस्क है, एल्यूमिनियम का, बॉक्साइड, बॉक्साइड किसका अयस्क है, किसका अयस्क है, एल्यूमिनियम का, एल्यूमिनियम पहले भी आया था एक क्वेश्चन, लोहा किसका अयस्क है, हेमेटाइट का, ये किस अयस्क से लोहा प्राप्त होता है, हेमेटाइट से, एल्यूमिनियम किससे प्राप्त होता है, बॉक्साइड से, तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखें गोली दागने के बाद में तो पीछे की ओर धक्का मारने लगती है, न्यूटन के गति का कौन सा नियम है, तो देखें भाई गोली दागने के बाद में तोप पीछे की तरफ धक्का मारती है तो ये न्यूटन की गति का कौन सा नियम है, गोली दागने के बाद में तो पीछे की तरफ धक्का मारती है न्यूटन की गति का कौन सा नियम है। देखें गोली दागने के बाद, गोली दागने के बाद तोप पीछे की तरफ धक्का मारती है, पीछे की तरफ धक्का मारती है कौन सा नियम है, न्यूटन की गति का कौन सा नियम है, कौन सा नियम है, तो स्टूडेंट्स कौन सा नियम है, तीसरा नियम, तीसरा नियम, गोली दागने के बाद में तो जो पीछे की तरफ धक्का लगाती है न्यूटन की गति का कौन सा नियम है, तीसरा नियम है। नेक्स्ट है लोहा अयस्क हेमेटाइट पहले बता चुके हैं, एक कोशिका विभाजन किस प्रक्रिया से होता है, तो स्टूडेंट्स ये माइटोसिस, कोशिका विभाजन होता है, कोशिका विभाजन होता है माइटोसिस, माइटोसिस कोशिका विभाजन किसके कारण होता है, माइटोसिस के कारण होता है। नेक्स्ट है एक वायु अवरुद्ध पिंजरे में, ये क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स समझने का क्वेश्चन है, कोई वायु अवरुद्ध पिंजरा है उसमें एक तुला है और तुले तुला जो है उसके एक पाट पे एक पलड़े में तोता बैठा है, ये कहता है कि यदि तोता वहाँ से उड़ जाए तो पाट उसके वजन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या परिवर्तन होगा, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। वायु अवरुद्ध पिंजरे का मतलब है स्टूडेंट्स वहाँ पर वैक्यूम है, निर्वात है, और निर्वात में चीज़ों का वजन जो है वो समान रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, यह आपको ध्यान में रखना है। निर्वात में जो है वो, निर्वात में ये प्रश्न इस तरह से भी आता है, अंतरिक्ष से एक चीज़ 10 किलो की एक चीज़ 1 किलो की छोड़ी जाए तो किस गति से नीचे की तरफ आएंगी, तो स्टूडेंट्स वहाँ पर जी का मान नहीं होता है, वो बराबर ही दोनों चीज़ें चलेंगी, उनके ऊपर यदि कोई फोर्स काम करेगा तो चलेंगी, अदरवाइज वो नहीं चलेंगी, तो ये जो है इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, समझने का क्वेश्चन है ये। एक वाटर गैस का रासायनिक नाम क्या है, CO2, वाटर गैस, वाटर गैस CO2, वाटर गैस का जो रासायनिक सूत्र है CO2 है। DNA कहाँ मौजूद होता है, DNA मौजूद कहाँ होता है, तो स्टूडेंट्स DNA केंद्रक में होता है, न्यूक्लियस में होता है, न्यूक्लियस में DNA होता है। नेक्स्ट देखें कार्य को परिभाषित किया जाता है बल गुणा दूरी,
कार्य को परिभाषित किया जाता है, परिभाषित किया जाता है, कार्य को परिभाषित किया जाता है, तो बल गुणा दूरी से कार्य को परिभाषित किया जाता है। नेक्स्ट है, निमोनिया किसन को प्रभावित करता है, तो निमोनिया फेफड़ों को प्रभावित करता है। निमोनिया, निमोनिया किसे प्रभावित करता है स्टूडेंट्स, फेफड़ों को प्रभावित करता है। जिस तरह से कई बार ये पूछ लेता है कि पीलिया किसन को प्रभावित करता है, पीलिया, पीलिया किसन को प्रभावित करता है, तो पीलिया स्टूडेंट्स आपका किसको प्रभावित करता है, पीलिया स्टूडेंट्स यकृत को प्रभावित करता है, यकृत को। कई बार ये पूछ लेता है ट्रैकोमा किस अंग को प्रभावित करता है, ट्रैकोमा, ट्रैकोमा स्टूडेंट्स किसको प्रभावित करता है, आँख को प्रभावित करता है। तो ये काफ़ी क्वेश्चन है कि कौन सी बीमारी किस अंग को प्रभावित करती है, बार बार ये रिपीट होते रहते हैं। तो ये आपका एक्सरसाइज जो 30 थी ये कंप्लीट होती है। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको पसंद आई होगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एक बच्चा कम से कम, ज़्यादा नहीं तो एक सब्सक्राइबर तो बढ़ाए, और धीरे धीरे हम टारगेट की तरफ बढ़ रहे हैं। काफ़ी कम समय में ये टारगेट पूरा हो जाएगा, उसके बाद में लाइव लेक्चर यहाँ से आपको करवा दिए जाएंगे। तो धन्यवाद स्टूडेंट्स, जय भारत, जय हिंद।